आंध्रा का रहने वाला। 30 साल पहले इस भवन पे आए, आने के बाद छोटे नौकर में अपॉइंट हुआ। मैंने उस समय में यह देखा है, यहाँ तो आंध्रा भवन में पूरा पंडित लोग, जब मैं आया हूँ और यहाँ एक साल के बाद एपी भवन SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन खोल दिया। खोलने के बाद और अभी आप लोगों को अशोक जी बहुत जानते हैं मेरे साथ मेरे बारे में, इस दिल्ली के अंदर बहुत पवन है, हर स्टेट का पवन होता है, पंजाब महाराष्ट्र बिहार सब कुछ पवन है, लेकिन किसी भवन में अपना SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन नहीं है, एक्सेप्ट आंध्रा भवन। और दूसरी है ये बाबा साहेब का मूर्ति जो लगाया 5 साल के पहले, उसके बारे में, मूर्ति जी के बारे में मैं 3 मुख्यमंत्री से लड़ा, तो हमारे बहुत लड़ा है। और कमिश्नर साहब बोले अरे मेरे ऊपर गाली देता, और मैंने ऑफिसर आप जानते हैं सबको कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ नेक्स्ट नहीं बोलना, लेकिन मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। कमिश्नर साहब को ये बोला है आप कुछ भी करिए साहब, लेकिन बाबा साहेब मूर्ति चाहिए, बोलता है इफ आई वांट आई कैन सस्पेंड यू ऊपर। मैंने बोला आप सस्पेंड मत करिए, डिसमिस करिए, लेकिन बाबा साहेब मूर्ति आप लोग हमारे साथ कोई पवन के अंदर बाबा साहेब का मूर्ति नहीं, इधर यहाँ लगाने के बाद महाराष्ट्र भवन में लगा। और दूसरी ये बात है, मैं हर बाबा साहेब के जन्मदिन भी 14 अप्रैल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और मैं ये नहीं देखता हूँ कौन है मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री है कौन है क्या है, जो बोलना है वो बोल देता हूँ मैं, क्योंकि एक दिन जो झगड़ा हो रहा है मुख्यमंत्री रोज ही आए CM कॉटेज में ले जाके, बहुत झगड़ा हो रहा है मीडिया आ गया और मैं कमिश्नर को गाली दे रहा हूँ मीडिया में, बोलता है चीफ मिनिस्टर के पास लेके गया मेरे को, बोलता है आनंद राव जी आप थोड़ा चुपचाप के बैठो और मेरे बात सुनो बोल के बोलता है। मैंने बोला साहब मेरे को सुनाई नहीं देता है, ये इसी कह रहे मेरे को बाबा साहब चाहिए चाहिए। और ये मैं मतलब मैं हमेशा 24 घंटे काम करते रहते अपने लेवल पे, और खाना नहीं खाते कभी घूमते है, मैं भी जैसे अशोक जी घूमता मैं भी घूमता। और इसके तो मेरे को कान 7 साल से ये कान प्रॉब्लम आ गई, और 5 साल से दोनों किडनी भी नहीं काम नहीं कर, तो दोनों किडनी काम नहीं करेगा, दोनों कान काम नहीं करेगा, बाबा साहब को याद करके मैं 24 घंटे काम करता था। तो भी बोल दिया भाई बोलते है रेस्ट ले लो, मैंने बोला बाबा साहब नहीं तो आप नहीं है मैं नहीं। तो दूसरी की बात है, मैं बीमार्मी चंद्रशेखर को और उसका टीम मेंबर को आई सेल यू टू द बीमार्मी। बीमार्मी बहुत संस्था खोलता है, अपने पास हजार ऑर्गेनाइजेशन है दलितों के, लेकिन यूपी में BJP को क्लब में अरे भाई अपने दलित चाहिए आप कुछ भी करो बोल के कुर्बानी कर रहा बीमार्मी चंद्रशेखर और उसका टीम। मैं एक बात बताना चाहते हैं, अभी हम लोग एक बहुत अच्छा लड़का है बीमार चंद्रशेखर, और इसमें साउथ इंडिया में बहुत नाम पड़ा है, फेसबुक में बहुत है उसका नाम, और मैं हाल में बीमार्मी अभी तो सुबह से रात को भी इधर है अशोक पार्टी को भाई पुलिस वाला है, बीमार्मी बोलेगा तो पुलिस वाले से लिखकर चल रहा है वो डरते हैं, और पुलिस वाला भी आए इधर सुविधा को भी बात आता है, भीम आर्मी के बोलेगा तो वो डरता है लेकिन किसी को नहीं डरता। ऐसे भीम आर्मी
और आगे चलना पड़ेगा। और जो हम ये मेरे मन में ये आ रहा है, आजकल बीजेपी अब जो यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ दास इतना बेवकूफ मुख्यमंत्री को मैं कभी नहीं देखा 25 साल से। चंद्रशेखर को और भीम आर्मी को नहीं बचा सकते, और परसों हमें हम ये भी नहीं बचा सकते, हमें भी नहीं बचा सकते कोई। ये हमारे पास ये मुद्दा है और भीम आर्मी को, इसलिए जब अशोक साहब भी आए मेरे पास आए तो भीम आर्मी का प्रोटेक्ट करने के, उसको मदद करने के मीटिंग करना है जल्दी है। मैंने कहा पूर्ति टोटल 100% आपके साथ है बोल के, और अशोक जी मैं कम से कम 20 साल से जानते हैं उसको, और मैं भी अपने लेवल पे आप जैसे बड़े बड़े लोग इधर बैठे हैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे लेवल पे ये करता हूँ। एक तो प्रिंसिपल है हमारे पास, दूसरी बात यह है आप जो बहुत लोग आए गांव वाले, भाई एक बात बताना, आंध्र प्रदेश में 400 फैमिली सोशल पार्कर 6 महीने से, और वहां से सरकार क्यों सोशल पार्कर किया, लोग जो है अपना दलित को बाबा साहेब का मूर्ति वहां से टैंक बंड में लगा, अपने गांव में बाबा साहेब का मूर्ति लगाता है बोल के गुस्सा होके टीडीपी है, अपने जो सरकार चल रहे चंद्रबाबू जी का वो उसी का आदमी है, उसके पार्टी का है, उन्होंने 400 फैमिली टोटल 1500 आदमी को सोशल पैकेज, और उस गांव में कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं, और उसमें बाबा साहेब का मूर्ति लगा रहे हैं तो सोशल बायकट करते क्या गुनाह है भाई। तो इसलिए पूरा आंध्र प्रदेश में लड़ लिए, और मैं दिल्ली में भी जाके चलो गर्ग पर्व बोल के, क्या नाम है गांव का गर्ग पर्व, चलो गर्ग पर्व बोल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कॉल किया, चंद्रबाबू नायडू को गले भी दिया, तो क्या क्या लगाना चाहिए वहां पे। और लास्ट मंथ जो है पिछले मंथ का 18 तारीख को बुलाया मेरे को, बहुत मंत्री लोग आए बैठे राउंड टेबल में, लेकिन डिसीजन नहीं लिया क्योंकि अपने जो पास मंत्री जी लोग है सारी एसएसटी, अपने पास एसएसटी मंत्री लोग होता है लेकिन वहां बात नहीं कर सकते, वहां मुंह भी नहीं खोल सकते। तो हम लोग आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो आपके चंद्रशेखर वर्मा मारेगा, अशोक बालकी को मारेगा, आनंद राव को मारेगा, आपको भी मारेगा, कुछ पे मारेगा, लेकिन हम क्या करते हैं जब मारते हैं ना बहुत आंदोलन करते हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन इलेक्शन जब आता है उसको वोट डालते रहते हैं, ये सोचना। आप मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ, इस देश में बीजेपी पहले जो 17 साल से जो आजाद आए 17 साल से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अपना जो मारपीट कर रहे हैं कुछ भी कर रही है लोग, कांग्रेस कर रहा है बीजेपी कर रहा है सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ये हर 18 मिनट को एक अत्याचार होता है अपने ऊपर दलित को, लेकिन बीजेपी आने के बाद एवरी 5 मिनट के अत्याचार हो रहा है। इसलिए आप लोग मेरा अनुरोध है आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद को हमने बचाना है और बीजेपी को वोट मत देना है, बस ये मेरा आपका जय भीम।